आज 20 मई 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। त्रयोदशी तिथि है शाम 7:43 तक और उसके बाद चतुर्दशी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है रात 10:37 तक और उसके बाद भरणी नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में। आज भद्रा है शाम 7:43 से, प्रदोष व्रत है और आज गंडमूल है रात 10:37। मेष राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति को सुधारना कठिन होता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी बनती बिगड़ती परिस्थितियां, हालात भी शायद ऐसे बने हुए हैं जो आपके असंतोष को दर्शा रहे हैं। फिर भी अपना भरोसा बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि अपनी मेहनत उसी भरोसे पर निर्भर करती है। वृषभ राशि वाले जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाना चाह रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारी मुश्किलें नजर आनी शुरू हो जाए, इसलिए पहले से अपनी चुनौतियों का आभास कर लेना सूझबूझ की निशानी, क्योंकि किसी भी रास्ते पर अपने कदम बढ़ाकर पीछे मुड़ना आसान नहीं। मिथुन राशि वालों के मन में लोगों के प्रति उस तरह का भरोसा नहीं बन पा रहा जितनी की जरूरत। रिश्तों को संभालने में कमियां हो सकती हैं, पर जानबूझकर लोगों को अपने से दूर करते चले जाना ठीक नहीं होता। कर्क राशि वाले कामकाज के प्रति कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दबाव ऐसे हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है, पर इस बात को समझ ले कि चुनौतियों से जूझते चले जाना ही इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए समय ने कुछ ऐसा खेल खेल दिया है कि आपके लिए कोई प्यार का रिश्ता बिखर रहा। पहले भरोसे में कमी आई और उसी के साथ साथ तकरार की स्थिति भी बनी। हो सकता है परिस्थितिवश आप रिश्तों में उतना समय नहीं लगा। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि कोई एक रिश्ता कमजोर पड़ेगा तो उसका बुरा असर किसी दूसरे रिश्ते पर भी पड़ सकता है, इसलिए निजी जीवन में रिश्तों को संभालने की हर तरह से कोशिश करनी होगी। मन परेशान इसलिए है क्योंकि आपके दोस्त भी आपकी बात को इस समय समझ नहीं पा रहे और आपको लग रहा है कि दूरियां बढ़ती चली जा रही। तुला राशि वालों ने ऐसे लगता है जैसे खुद पे भरोसा न करके अपनी मेहनत को कम कर लिया और लोगों पर आश्रित होते चले गए। इस वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। हालात भी इसी वजह से ऐसे बन रहे हैं जिसमें आपको अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या करना चाहिए समय? अपनी काबिलियत को तराश लें ताकि रिश्तों को संभालना भी आसान हो जाए। वृश्चिक राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है, जबकि सच्चाई है कि आपकी और आपके अपनों की हर तरह की जरूरतें पूरी हो रही हैं। फिर भी सुख और समृद्धि से जुड़े हालात ऐसे हैं जिसमें आपका असंतोष नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए समय? मन में किसी भी तरह का तकरार बिठाते चले जाने से बचना। धनु राशि वालों का मन बहुत भटक रहा है और कई तरह के बनते बिगड़ते विचार हैं आपके मन में, और उसका असर ये हो रहा है कि आपका खुद पर भरोसा कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये चीज तो ठीक नहीं। क्या करना चाहिए? मेहनत करना एक बात, पर अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। मकर राशि वाले ही समझ लें कि नुकसान कई बार अपनी वजह से होता है और कई बार अपनों की वजह से हो जाता है, पर इस समय आपके लिए नुकसान की स्थिति इस वजह से है क्योंकि आपने अपने हालात का सही आंकलन नहीं किया और हर चीज को कमी की नजर से देखने की आदत बना ली। ऐसी आदत कभी भी ठीक नहीं। कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि आप परिश्रमी हैं और अपनी योग्यताओं के बलबूते पर बहुत कुछ कर सकते हैं इस समय, पर पैसे को संभालने में आपकी ओर से कमियां नजर आ रही, इसलिए आप अपने पैसे को भी उस रूप से नहीं संभाल पा रहे जो इस समय आपके लिए बचाव बनाए रख सकते। मीन राशि वालों का कामकाज के प्रति मन हटेगा तो मुश्किलें पैदा होंगी, पर अपने काम को कमी नजर से देखते चले जाने से तो और भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फिर उस काम को फिर से पटरी पर लाना इतना आसान नहीं होगा।